अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ नताशा वकार। भाई तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और सबसे पहले हम डालेंगे कोयटा दूध पत्ती चाय चिंतन प्योर वालों की। और ये जी अभी पानी भी लाने वाला है फिल्टर से। ये चलें जी, अब चीनी डालते हैं हम। और ये इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो शूट कर रहे हैं, और इस भाई जान के इतने नखने हैं ना, क्या मसला है आपको? जैसे कैमरा सेम ड्रेस है, और बलाज और अभाष का ड्रेस है सेम। तस्वीर दिखाओ ना, मेरा भी जैसा मैं भी दिखाती। तस्वीर तो बनाओ ना। नहीं बनाओगे? वजह मसला मसला बुला जाओ बल्ली। इंद्र का ड्रेस बिल्कुल सेम है मेरे जैसा। बुला जाओ जल्दी आओ, बुला जल्दी आओ, लाइट चली जाएगी वरना, जल्दी आओ। ओके बल्ली भी आ गया। बल्ली ने भी कुर्ता शलवार पहना है, बहुत ही प्यार। तो मैंने कहा अपने बाजू दिखाओ, तो बलाज कहता है मुझे, मामा ये देखो चोट लगी है। कहाँ लगी है दिखाओ? ये बलाज को बाजू दिखाते दिखाते ना सदियों पुरानी चोट याद आ गई अपनी, कि मुझे चोट लगी है। फीनी ना काले, फीनी ना काले। तस्वीर का और अनिमिष का सेम ड्रेस, और कितना प्यारा लग रहा है यार। अब सब वही तो बच्चों का कोर्स आ गया है, और बस पैसे मत के पूछे। और ये इतनी बुक्स है यार, बेचारे बच्चे हैं। अभी तो बलाज का भी लेना है मकान। आज जो है ये वाला ड्रेस आया है मुझे गिफ्ट। कलर बहुत ही हसीन है इसका, मतलब पीआर में आया है। ठीक है, ये इसका ये ट्राउजर है, ये फ्रॉक है, और ये है दुपट्टा। सोच रही हूँ इसको पहन लूँ, क्या करूँ आप बताएं। पहन ले वाला आज इसको, चलो मर्जी है आपकी। आज हम बना रहे हैं अंडे प्याज। ठीक है, हमारे घर में बस यही चीज़ें बनती हैं, अंडे प्याज। अच्छा मैंने खैर ये मसाले खा से थे, तुमने 20 मसाले डाल लिए। 20 मसाले वाला इसमें मैंने क्या डाला? गड़ा मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी, जीरा, हरा धनिया, सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन, कोई चीज रहेगी तो हरी मिर्चें नहीं थी तो थोड़ा सा और डाल दिया गरम मसाला। अंडे प्याज है, तुम इसको कौन से क्या बनाना चाहती हो? बस कुछ बनाना चाहती हूँ। तो मैंने मसाले यूज किए थे चिल्टन प्योर के। मेरे हो गई मेरी वीडियो, हो गई मेरी वीडियो। मेरा ये वाला मसाला खत्म हो गया है, मेरा काली मिर्ची का मसाला खत्म हो गया है, और पता नहीं कौन सा एक और मसाला। मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर काट के डाल दिए, ये भुनते हैं, तो फिर हम अंडा फेंट के डालते हैं अंदर। मिर्ची नहीं आज हरी हमारे पास। काज है ना आटा छान रहे हैं, क्योंकि इस दफा जो आटा आया ना उसमें क्या आया, सुसरिया, सुसर कबाब, सुसर कबाब बताओ अच्छे से। और ये अरमी जो तस्वीर ऐसे शौक से देख रही है, बन क्या है, है? तो रहा है, मैंने भी करना है। मैंने कहा मैं खेल रहा हूँ आटे से। आटा उड़ रहा है, नीचे रख के करो, नीचे करो, इसको अंदर करो, और अंदर करो, कपड़ों में लगेगा सारा, और अंदर करें हाथ, आप करें। मैं इधर रोटियां बना रही हूँ, और बलाज खाना। बाली दे 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 दे, मैं थक गई हूँ, पूरा दिन हो गया, दे दे मुझे। मैं देखो रोटी बना के जाती हूँ, बाली मेरी रोटियाँ को पता नहीं मलिदा कर देता है। अरे मुझे आटा भी गूंदना है, मशीन ने गूंदना है, पर निकाल के डालना तो है ना। दे दो बकास, बेलन नहीं दे रहा मुझे विकी। अबे का नाम ही काफी। ओ भाई अंडे प्याज हो गए हैं फ्राई, नहीं अंडे प्याज नहीं, टमाटर प्याज, इसमें हरी मिर्ची होती है ना, आह मजा आ जाता। तो बस अंडा हमने फेंट के रखा हुआ था, तो बस अब अंडे प्याज बनाएंगे। इसमें ना प्याज करो बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करते, पर हमारे साथ खड़े हुए थे वकास साहब, और जब वो किचन में खड़े होते हैं ना इतनी इंस्ट्रक्शन देते हैं यार, इतनी इंस्ट्रक्शन देते हैं, आता उनको कुछ नहीं है करना, पर ऐसे भी करो वैसे भी करो। आप लोग बताना आपके हस्बैंड भी ऐसे करते हैं, इतना गुस्सा होता भी करता, सारे काम छोड़ के ना बाहर निकल जाए बंदा। और फिर मेरी रोटी भी खराब हो जाती है, जो काम कर रही होती है मेरा खराब हो जाता है, क्योंकि वो टोकते ऐसा नहीं बनाओ वैसे बनाओ, रोटी कर रही हो वैसे कर रही हो। खैर जी अब अंडे प्याज हमारे बन गए हैं, और बस अब खाना खाते हैं। रोटियां बनानी थी तीन, वो मैंने बना दी, और बलाज ने जो ना मेरी रोटियां टेढ़ी मेढ़ी कर दी। मैंने कहा मैं तो दोबारा बेल रही, बस अब जैसी बिल गई हैं ठीक है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा उस दिन काम था, मशीन भी लगाई हुई थी, पता नहीं और क्या क्या काम किया था, डस्टिंग भी की थी, सब कुछ किया था, और मैं थक गई थी। फिर मैंने बोला रात को ना आज मैं कोई इजी सा सालन बनाऊंगी जो फटाफट बन जाते। देखे जी हमारे अंडे प्याज बन गए, बस अब ढक्कन ढकेंगे ताकि अंडा हो जाए जी मोटा मोटा सा। उसके बाद हम गए थे प्लॉट पे, हमारी सीढ़ी लग रही थी ऊपर वाले फ्लोर की ना, अब ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ी रह गई है, वो भी इसी हफ्ते इंशाल्लाह आ जाएगी। तो कह रहे थे आओ तो मैं दिखा के लाता हूँ सीढ़ी लग रही है। उसके अलावा हम लोगों ने जाना था टाइल सेलेक्ट करने के लिए, किचन के कैबिनेट सेलेक्ट करने के लिए, और पता नहीं क्या रह गया था हमारा, हाँ एलुमिनियम जो खिड़कियों के लिए लेना था वो लेना था हम लोगों ने, मतलब बहुत सारे चक्कर थे। तो ये सीढ़ी वाला लग रही है अभी हमारी, और काफ़ी लोग बोल रहे थे ये सीढ़ी डेंजरस है, पर हमने इसके पास ना एलुमिनियम के पाइप लगवाने हैं। तंग करता है ना कि प्लॉट में आए हैं तो चीज़ दिला के लाओ, चीज़ दिला के लाओ, चीज़ दिला के लाओ। अब मैं इसको चीज़ दिलवाने आई हुई हूँ यहाँ पे।
तो अभी चीज़ लेके देती हूँ और वकास प्लॉट पर ही है ना, वो देखो हाँ, गाय आ गया। है ना हाँ। चलो रुको मैं गाड़ी पार्किंग पे कर दूँ, शीशे बंद कर दें सारे और अभी चीज़ लेके आते हैं। चलो क्या लोगे चीज़? मेरे लिए क्या लोगे आगे। चीज़ चीज़ पापा के लिए क्या लोगे चीज़ है ना, और बलाज का भाज के लिए क्या लोगे चीज़ ले। तो भाई मैं भी चीज लेके आती हूँ, ठीक है। अल्लाह करे इनके पास क्रेडिट कार्ड मशीन हो, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है। उसके बाद जी हम लोग गए थे फिल्टर से पानी लेने के लिए और सारे बच्चे देखे अपने पापा की हेल्प कर रहे हैं, अपने अपनी बोतलें लेके गए हैं, बोतलें वकास वॉश करके दे रहे हैं, वो लोग पानी भर रहे हैं। हम लोगों ने ना बीच में नेस्ते से लगवाया हुआ था पानी, अभी नेस्ते वाले जो है वो डिलीवर नहीं कर रहे, तो अभी हम फिर वापस से फिल्टर से ले रहे हैं पानी। भाई तो अभी हम लोग आए हैं छत पे, कपड़े स्पिन करने रखे थे मैंने, वो हो गए होंगे स्पिन, तो अभी सुखाने डालती हूँ। चांद देखो कितना प्यारा है, और जूम करूँ और वाह। और अब वकास को जो है वो ये वाला टब पसंद आ रहा है, जो लास्ट टब इन्होंने पसंद किया था याद है अल हरमेन से आई थिंक इन्होंने देखा था, तो वो वाला टब सेल हो गया है। अब इसी में यही सेम टब है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गोल्डन था, ये कम गोल्डन है और इसकी प्राइस भी कम है, वो तो 3 लाख का था और ये 155 का है। अभी हमने इसका कुछ फाइनल नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने चिमनी लेनी थी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ चिमनी। तो यहाँ पे ना ओवन वगैरह भी लगे हुए थे काफ़ी अच्छे, मतलब फुल किचन था। आप कोई चीज़ देना चाहते हो चूल्हा सिंक, हाँ चूल्हा भी देख रहे हैं यार हम लोग, जो बिजली और गैस दोनों पे हो, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और भाई बाकी जो किचन के जो हमने लिए हैं ना, मतलब शीट लिए हम लोगों ने पीवीसी की ना, पहले हम सोच रहे थे लकड़ी करवा लेते हैं, लेकिन आजकल पीवीसी जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। फ्लोर मैंने ये सोचा था वुडन करवाऊंगी, तो सेम ऐसा ही है, वाइट और हल्के हल्के सी ग्रे ग्रे सी लाइन्स हैं। सिंक भी सेम ऐसा ही है मेरा, चूल्हा जो है मुझे इसके जैसा मिल नहीं रहा, मैंने ये वीडियो रखी थी अपने पास के ऐसा जो है ना अपर फ्लोर का किचन ऐसा ही है सेम, वाइट कैबिनेट के साथ गोल्डन हैंडल और नीचे वाले के साथ वाइट के साथ सिल्वर हैंडल है। तो सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने मैचिंग की ली हैं। अभी चूल्हा मुझे नहीं मिला और अभी चिमनी नहीं मिली है मुझे मैचिंग की, बाकी जो है ना हम लोगों को टाइल्स भी मिल गई हैं सेम वैसी ही जैसे, और कैबिनेट भी ऐसे ही मिल गए हैं। बाकी इसके अलावा मैंने 2-3 चीज़ें और सोची हैं किचन के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है। सबसे पहले चीज़ है ये वाली ड्रॉ, मैंने वकास को बोला मुझे कॉर्नर में इसी ड्रॉ बनवा के देना, नीचे वाला किचन ऐसा बनेगा वाइट कैबिनेट के साथ सिल्वर ये लगेंगे हैंडल्स वगैरह। और जो कॉर्नर में जो स्पेस होता है ना, मैंने वकास को बोला मुझे उस पर ना इस तरह का बनवा के देना रैक, जैसे ये बना हुआ है नॉन स्टिक के लिए, दूसरे जो भी बर्तन है उनके लिए। अच्छा कल ना मैं अपना फेसबुक पेज चेक कर रही थी, क्योंकि ना मेरा पेज मोनेटाइज हो गया, 2-3 चीज़ें रहती हैं उसकी, तो मेरा पेज के ऊपर ना मैं चेक कर रही थी कि कोई और पुरानी कोई पोस्ट या वीडियो किसी और की लगी हुई हो तो मैं डिलीट कर दूँ, तो वो करते करते ना नीचे ना अजल की वीडियो आ गई, फिर बस पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने वो इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, काफ़ी लोगों ने अजल को नहीं देखा, तो चले आप लोग देख लें। अल्लाह हाफिज़। मोटू कौन है? आप मोटू हो? और पतलू कौन है? मोटू कौन है? आप मोटू हो?